हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है। बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला है, बहुत सारे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आई है। आप सबका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार के लिए। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है साउंड थेरेपी के लिए ऊपर। तो मैं आपको पहले ही चीज़ बता देता हूँ कि साउंड थेरेपी इसकी क्योर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप साउंड थेरेपी करोगे और आपका टिनाइटिस ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ साउंड थेरेपी करने के बाद जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो डाउन हो जाएगी। साउंड थेरेपी आपको हेल्प करेगी आपके टिनाइटिस और आपके दिमाग के बीच की ट्यून करने के लिए, आपको हैबिचुएशन प्रोसेस को और आसान करने के लिए। इसलिए हम साउंड थेरेपी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साउंड थेरेपी यूज़ करोगे और आपका टिनाइटिस जड़ से ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ जो टिनाइटिस की आपकी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी चल रही है उस फ्रिक्वेंसी को लो कर दिया जाएगा साउंड थेरेपी के थ्रू। अच्छा, साउंड थेरेपी कैसे आप यूज़ कर सकते हो? साउंड थेरेपी मतलब है क्या? साउंड थेरेपी है कि जो आपकी अभी आवाज़ आपको जो सुनाई दे रही है उस आवाज़ के ऊपर एक दूसरी आवाज़ आएगी जो पहली वाली आवाज़ को कवर कर लेगी। दैट इज़ कॉल्ड ए साउंड थेरेपी, उसे साउंड थेरेपी कहते हैं। अब आप कैसे यूज़ कर सकते हो साउंड थेरेपी? देखो, सबसे पहले एक जो मैं यूज़ करता हूँ नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स का। सुबह में जब उठता हूँ तो जनरली मेरी जो साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो जनरली मैं सुबह उठने के बाद इस हेडफोन्स को अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद पिंक नॉइज़, वाइट नॉइज़, किसी रिवर की साउंड, किसी ओशन की, किसी समुंदर की, किसी बारिश की, ऐसी साउंड सुनूंगा 15 से मिनट के लिए। तो जो मेरी फ्रिक्वेंसी उस टाइम चल रही होती है ना वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड ए साउंड थेरेपी। तो पहला जो आप यूज़ कर सकते हो जिसे हम कहते हैं नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स। अच्छा, दूसरा जो इसमें होता है वो एक आता है बोन कंडक्शन हेडफोन्स। मैं आपको इसमें फ़ोटो डाल दूँगा, आप उसमें देख लेना। बोन कंडक्शन हेडफोन्स जो होते हैं वो यहाँ लगते हैं बोन के ऊपर, मतलब वो आपके ईयर में नहीं लगेंगे। एक दूसरी चीज़ आप उसके थ्रू यूज़ कर सकते हो बोन कंडक्शन हेडफोन्स के ऊपर साथ। तीसरा जो होता है साउंड जनरेटर, लेकिन साउंड जनरेटर आपको मिलेगा या तो क्लिनिक से या ऑडियोमेट्री ऑडियोलॉजिस्ट के थ्रू, वो आप खुद जाके मार्केट से ख़रीद नहीं सकते हो। चौथा होता है ब्लूटूथ हेडबैंड। एक ब्लूटूथ हेडबैंड है जो आप रात को सोते हुए उसके साथ पहन सकते हो। उसको आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे और उसके थ्रू आप उसको लगा के सो सकते हो। और फिर एक जो लास्ट चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड है पिलो स्पीकर। एक छोटे छोटे स्पीकर होंगे ब्लूटूथ के, जिसे आप अपने पिलो के अंदर डाल दोगे, ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे और आप उसके थ्रू हल्का सा म्यूज़िक सुन के आप उसको यूज़ करके सो सकते हो। मैं जब सुबह उठता हूँ, देखो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, इन सब की मैं फ़ोटो देख लूँगा कहाँ कहाँ लगा सकता, तो आपको आइडिया लग जाएगा ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं जनरली इसको देखो कब यूज़ करता हूँ, एक तो सुबह जिस टाइम मेरे को लगता है कि मेरी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और जिस दिन मेरे को स्पाइक ज़्यादा होता है। आपको पता ही है स्पाइक के, जैसे आपको 2 दिन टिनाइटिस या 4 दिन टिनाइटिस ठीक रहेगा, फिर 1 या 2 दिन ऐसा आएगा जब आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज़ हो जाती है, तो आप उसको उस टाइम यूज़ कर सकते हो। आप 90% आप देखोगे कि हाँ यार, ये लगाने के बाद ना मेरे को थोड़ी सी है कि जो मेरी फ्रिक्वेंसी, जो मेरी आवाज़ है ना, वो थोड़ी सी डाउन चली जाती है। एक्चुअली ये करती क्या है कि यही आपके दिमाग को आपके टिनाइटिस की आवाज़ के साथ ट्यून कर देती है और आपको हैबिचुएशन प्रोसेस के लिए भी थोड़ा सा इसको हेल्प कर देती है, ताकि आपका हैबिचुएशन प्रोसेस जल्दी हो जाए। आपका जो स्पाइक होता है, क्या होता है स्पाइक, क्यों आता है स्पाइक? इसलिए आता है कि जब आपकी टिनाइटिस की आवाज़ आपके दिमाग के साथ जब ट्यूनिंग कर रही होती है तब आपको स्पाइक आता है। तो ये हैबिचुएशन का प्रोसेस है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि आज मेरे को स्पाइक आ गया, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, आगे बढ़ तो नहीं जाएगा। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। स्पाइक सबको आता है, मुझे भी आता है कभी कभी। मैंने 3 दिन मैं अभी स्पाइक में रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ था। सारे काम मैं करता हूँ उसके साथ, स्पाइक अपनी जगह है, मेरा काम अपनी जगह, मेरी लाइफ अपनी जगह है। आज बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाने लग गया हूँ मैं। तो आप अपने पूरे एक दिन में 10 से 15 मिनट का टाइम दिया करो जब आप साउंड थेरेपी लिया करो। मार्केट में देखो और भी मशीन्स होती हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लाना चाहता हूँ, वो जनरली वो यही काम करती हैं।
वर्ल्ड में जो भी साउंड थेरेपी हो रही है वो साउंड के थ्रू इसी की प्रोसेस हो रही है जो मैं आपको उसका निचोड़ दे रहा हूँ। साउंड थेरेपी, आप किसी के पास जाते हो, कोई आपको 50,000 की मशीन देती है, क्या वो खाने की टैबलेट नहीं है यार? वो इस तरह के एक हेडफोन्स है जो आपको लगाना है, ऐसी एक मशीन है जैसे मेरा एक मोबाइल है, उसके थ्रू वो साउंड आएगी। आपने वो 15 मिनट 20 मिनट लगा के सुननी है ताकि ये साउंड जब आपके कान के अंदर जाएगी वो माइंड से ट्यून करेगी, दैट्स इट। इसी को साउंड थेरेपी कहते हैं। साउंड थेरेपी कोई ऐसा नहीं है कि आपने गोली खा ली और मेडिसिन ले ली, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप साउंड थेरेपी, ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई है, इसमें से आप कोई भी एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो। जनरली मैं तो हेडफोन्स वाली करता हूँ सुबह सुबह जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है या जिस दिन मेरी स्पाइक होती है, सिर्फ ये आपकी फ्रिक्वेंसी कम करने के लिए है। ये क्योर नहीं है बिल्कुल भी कि आपकी इसकी जड़ से टिनाइटिस आपका ख़त्म हो जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखो आपने सारी चीज़ें इसकी ट्राई कर ली है, सारे टेस्ट करा लिए, सारे आपने एलोपैथी खा लिए, आप एक बार होम्योपैथी ट्राई करके देख लो। अरे होम्योपैथी साइड बाई साइड चलती रहेगी। आप वहाँ जाओ जो आपके घर के पास का डॉक्टर है, आप वहाँ जाओ, उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपनी हिस्ट्री बताओ, आपको दवाई देगा। आप 3 महीने यूज़ करके देखो ना यार, 3 महीने यूज़ करके देखो, आपको 100% आपको प्रभाव मिलेगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरे को मिला है। देखो मैं अगर पहले दिन से, मेरे को जब ये स्टार्ट हुआ था ना, ये हुआ था अप्रैल में, आज मेरे को ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं। तो अगर मैं पहले दिन से कंपेयर करता हूँ और मैं पहले 4 महीनों से होम्योपैथी कर रहा हूँ, तो आज मैं सोचता हूँ कि मेरे को 50% मेरे को रिलैक्स है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड, खाना पीना जो मैंने चेंज किया है, साउंड थेरेपी, होम्योपैथी, इट्स अ कॉम्बिनेशन। ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, मेरे को बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई आप कौन सी होम्योपैथी दवाई खा रहे हो, कौन सी होम्योपैथी दवाई कर रहे हो। भाई देखो, हर इंसान की टिनाइटिस की आवाज़ फ्रिक्वेंसी डिफ़र करती है हर इंसान से। जो मुझे है वो आपको नहीं है, जो आपको है मुझे नहीं है। मेरे को स्पाइक 7 दिन में आता है, हो सकता है आपको रोज आता हो सकता है मेरे को माइल्ड हियरिंग लॉस भी है, आपको नहीं होगा। तो मेरी दवाई आपसे मैच कभी नहीं कर सकती ना। मैं जब भी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो मेरे से पूछता है कि आपको कितने चेंजेस हुए हैं, फिर वो मेरे को कॉम्बिनेशंस देता है। वो मेरे को कोई एक दवाई नहीं दे देगा कि ये आप खा लेना, नहीं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 दवाई मेडिसिन मेरे को डाल के देता है कि आपने अगले महीने तक ये लेनी है। तो मैं आपको उनका नाम बता ही नहीं सकता ना यार, और मेरी मेडिसिन वैसे भी आपसे मैच नहीं करेगी, पहली चीज़। दूसरा, मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि भाई मैं इसका ऑपरेशन कराना चाहता हूँ, कोकले इम्प्लांट कराना चाहता हूँ। भाई साहब, आप पढ़ तो लो यार, कोकले इम्प्लांट होता क्या है। इंडिया में 65,000 से 4 लाख तक का इसका खर्चा होगा। कोकले इम्प्लांट मतलब कोकले इम्प्लांट है क्या, कोकलियर है क्या, आप देख तो लो कोकलियर है क्या। देखो हमारे कान भी ना, मैं आपको बता देता हूँ, कान भी के 3 हिस्से हैं। एक होता है आउटर कान, फिर एक इनर ईयर, फिर एक मिडल ईयर, फिर एक कोकलियर, और फिर आपका नर्वस सिस्टम। ये इन सब का कॉम्बिनेशन है। यहाँ से आवाज़ जाएगी अंदर जाके इनर ईयर में, जो पर्दा होता है उस पर वो टकराएगी, टकराने के बाद वो कोकलियर में जाएगी, कोकलियर में जाने के बाद वो साउंड वेव जनरेट होके नर्वस सिस्टम में जाएगी, तब आपको सुनाई देने के बाद समझ आता है कि सामने वाला बंदा क्या कहता है। मतलब ये बहुत लंबा प्रोसेस है। कोकलियर यहाँ पे है। अब वो कोकलियर में होता है क्या है कि जो कोकलियर आपके यहाँ की नसें काट दी जाएंगी, ये जो चीज़ है कोकलियर अंदर जो इन जो जो होता है, आपको एक यहाँ पे आर्टिफिशियल कोकलियर यहाँ पे लगा दिया जाएगा। अब आपकी नर्व्स यहाँ से अटैच होने के बाद यहाँ जा रही है। भाई कैसे जियोगे इसके साथ यहाँ लगा के कोकलियर, पॉसिबल ही नहीं है। और आपको अगर लगता है उसके बाद सक्सेस हो जाएगा तो आप ट्राई करो। मैं तो किसी को देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ यार, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप कोकलियर इम्प्लांट कराओ ना कराओ। आपको लगता है ठीक है आप कराओ यार, मैं नहीं करा सकता, दैट्स इट। तो एनीवेज, तो मैंने आपको आज साउंड थेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताया, बहुत ज़्यादा तो नहीं बताया, लेकिन आप इसको अपनी लाइफ में ट्राई करके देखो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, जब भी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, जब आपको इस इरिटेशन ज़्यादा होती है, आप इसको यूज़ करो। इनमें से जो आपको ठीक लगे वैसे यूज़ कर सकते हो। अब आपने कितनी रखनी, जैसे मेरी जो टिनाइटिस की जो भी अभी मेरे को आवाज़ आ रही होगी, आपने उससे थोड़ी सी वॉल्यूम उसकी ज़्यादा रखनी है।
ऐसा नहीं कि आपने इतना तेज़ कर दिया कि आपको अब दर्द होने लग गया कान में। जितनी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी आपको अभी आ रही है आप उससे थोड़ी सी रखोगे, ताकि एक्चुअली होता क्या है कि अभी जो मेरे को साउंड आ रही है अगर मैं यहाँ पे कोई स्पीकर लगा दूंगा तो मेरा दिमाग सारा उसके ऊपर चला जाएगा, दिमाग अंदर की आवाज़ें नहीं सुनता, फिर वो बाहर की आवाज़ें सुनता है। तो जब मैं साउंड थेरेपी लूँगा तो जो आवाज़ उससे जनरेट हो रही है ना तो मेरा दिमाग सारा उसके ऊपर आ जाएगा, अंदर की आवाज़ें भूल जाता है। तो मेरे को जो अंदर की आवाज़ चल रही है उससे थोड़ी सी ऊपर आवाज़ रखनी है, ताकि मेरा सारा माइंड उसके ऊपर डाइवर्ट हो जाए। कैसी भी आवाज़, आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च कर लेना, वाइट नॉइज़, पिंक नॉइज़, रिवर नॉइज़, साउंड थेरेपीज़, साउंड्स, बहुत सारे नाम होते हैं, किसी रिवर की साउंड, किसी झरने की, किसी समुद्र की, किसी किसी बरसात की, पिंक वाइट नॉइस मैं आपको बता ही चुका हूँ। कुछ भी आप सुन लो, आप ट्राई करो जो आपको उस फ्रिक्वेंसी से मैच करता हो। अगर आपको पता है कि आपको 800 फ्रिक्वेंसी सुननी है, 600 फ्रिक्वेंसी है, तो आप वो डाल के भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैं जनरली सुनता हूँ तो मैं वाइट नॉइस 800 फ्रिक्वेंसी सुनता हूँ, मेरे को वो वाली जो मेरे को अंदर आवाज़ चल रही है ना वो उससे मैच करती है काफ़ी कुछ। आप वो वाली आवाज़ साउंड करो जो आपको उससे मैच कर रही है, और हल्की सी ऊपर करके आपको 100% रिजल्ट आएगा। एक क्योर नहीं है, लेकिन आपकी जो फ्रिक्वेंसी अंदर चल रही है जो आपको इरिटेट करती है ना, वो आपकी इरिटेशन कम कर देगी। ठीक है, आप ये ट्राई करके देखो, और आपको कुछ पूछना हो आप नीचे कमेंट डाल देना, जो मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ भाई, आप लोगों के लिए हेल्प जब मर्जी जो बोलोगे वैसे हेल्प कर दी जाएगी, जितना मुझे पता है आप लोगों के वैसे कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।